मेरा नाम संजय है, मैं एक समाज सेवी भी हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी भी ना जो भी राजनीति होती है वो सब स्वार्थ की राजनीति होती है जी। बिल्कुल, कोई भी देश का सच्चा देशभक्त देश हित के बारे में सोचता है। मेरे दो मुद्दे हैं जिसके ऊपर कोई सरकार काम नहीं करती है जी। ठीक है, एक मुद्दा है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जिसका ना तो कोई एजेंडा है किसी सरकार ने और ना कोई काम नहीं कर रहा है, ना किसी ने कानून बनाया है। ठीक है, अगर जनसंख्या पर रोक लगाई जाएगी तो संसाधन हमारे पास सीमित हैं, वो पूरे पड़ेंगे और हमारा हर घर विकसित हो सकता है, मतलब देश विकसित हो सकता है। चाइना मुट्ठी भर देश है, हाँ। शायद गाजियाबाद की आबादी इतनी होगी जितनी पूरे चाइना की है। हाँ। उन्होंने भी अभी दो बच्चों के ऊपर प्रतिबंध लगाया, दो बच्चों के ऊपर, पहले उन्होंने एक बच्चे के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, अब उन्होंने दो कर दिया है। आप इसको किस तरीके से पूरे भारत के ऊपर लागू कराने की क्या स्कीम आपने बनाई है ऐसी कुछ? देखिए, इसके ऊपर जो स्कीम है उसके ऊपर इनको मंथन करना चाहिए, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कोई सरकार इसको एजेंडे में तो डाले, कोई एजेंडे में नहीं डालता। आपने किसी के मैनिफेस्टो में देखा है ये एजेंडा? नहीं देखा है। दूसरी प्रॉब्लम है कि कोई एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करता है, शिक्षा के ऊपर काम नहीं करता है। देखिए, आप अगर देखोगे गांव में जाके तो वहाँ पर एजुकेशन की बहुत प्रॉब्लम है। संजय गांधी जी ने एक कदम उठाने की कोशिश की थी, उनकी बड़ी फजीहत हुई थी। देखिए, संजय गांधी जी ने क्या कदम उठाया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक हम जाते हैं गांव में, हम देखते हैं लोगों को, हम बच्चों से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चों को ना सही एजुकेशन ही नहीं मिल रही है जी। बिल्कुल, और जब वो गरीब बच्चा आता है नौकरी के कॉम्पिटिशन में तो वहाँ पर आने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे जो एजुकेशन दी गई है उसका लेवल कुछ और है, जिससे कॉम्पीट कर रहा है उसका लेवल कुछ और है। बिल्कुल, तो बेचारा पीछे रह जाता है, तो गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण की आप बात कर रहे हैं। हाँ, और शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल कर भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया है जी। अब दूसरा, तो शिक्षा का नाम ही नहीं है, देश से मिटा दिया है। दूसरा क्या आप रख रहे थे अपना? दूसरी बात लोकल, तीसरा जो मैं ये कहना है कि जो सभी जानते हैं कि हमारा जो नेता है जिसको भी हम चुनते हैं चाहे वो कोई भी हो, वो अप्रोचेबल होना चाहिए। आपकी जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए वो तत्पर होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए। और अगर बाहर का भी है तो अपने अपने क्षेत्र में कम से कम 5 साल में 5 बार तो आके देखे जनता को क्या प्रॉब्लम है। ऐसा कोई नेता नहीं होना चाहिए 5 साल में एक बार भी नहीं आए। हमने देखा नहीं अपने क्षेत्र में, कहीं पर यहाँ पर सोसाइटियां हैं, है ना, एक यहाँ पर पार्सना सोसाइटी है। अभी लोकसभा में आपने जो मुद्दा बताया, सबसे बड़ा मुद्दा तो बताया कि हमारा सांसद क्षेत्रीय होना चाहिए। हाँ, वो गठबंधन ने दे दिया आपको। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर एक पार्सना सोसाइटी है जी। पार्सना सोसाइटी में सीवर की बहुत समस्या है, ठीक है, वहाँ पर सीवर की समस्या है, वहाँ पर पानी की समस्या है जी। और जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है, ये समस्या अभी हमारे गेट पर, अभी हमारे साहिबाबाद की है। नहीं, खराब पानी है। नहीं, सीवर इकलौटी सोसाइटी की समस्या है। मैं खुद अपने घर में बोतल खरीद कर पानी पी रहा हूँ। नहीं, चलिए, पानी तो ठीक है, लेकिन मैं सीवर मुख्य रूप से सीवर की बात कर रहा हूँ। जो सीवर वहाँ पर गंदा पानी जब उबल जाता है ना, गंदा पानी उबल जाता है तो वहाँ पर लोगों को निकलने की जगह नहीं होती है। चलिए, बच्चे बीमार होते हैं। कुछ समस्याएं क्षेत्रीय जो हमारे मतदाता हैं उन्होंने बताई हैं। कहीं ना कहीं जब ये वीडियो जाएगी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके पास, तो शायद वो अपने एजेंडे में इसको शामिल करेंगे। चलते हैं दिल्ली की तरफ। एक दिल्ली में आज भी एक कार्यक्रम है जहां पर शायद गोकुलपुरी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन होने वाला है। धन्यवाद।